हे गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? और आज अगेन मैं आपके सामने लेके आई हूँ अमेजन बैग हॉल, जो कि मैंने परचेज़ किए हैं कुछ ब्रांडेड बैग्स। और जैसा कि आप जानते हो, फेस्टिवल सीजन इज अप्रोचिंग, तो आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले सकते हो। जैसा कि आप जानते हैं, सेल स्टार्ट हो गया है, जिसमें अप टू 1500 ब्रांड्स तक आपको ऑफ मिलेगा। अप टू 50-80% तक आपको ऑफ मिलेगा। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, इजी रिटर्न एंड रिफंड अवेलेबल है, और एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो कि बेस्ट पार्ट है। तो आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है वो मैंने मंगाया है कॉस्मेटिक बैग फॉर ट्रैवलिंग, और ये बहुत अच्छा मुझे रिसीव हुआ है। कुछ 300 के अप्रॉक्स मुझे था इसका जो क्वालिटी, काफ़ी अच्छा मुझे रिसीव हुआ है। आप इसको इधर से कैरी कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, ये देखिए, अगर मैं आपको इसका जो चेन ओपनिंग है वो दिखाऊंगी, तो इस तरीके से क्रॉस जिगजैग वे में कर रहा है, और साथ ही साथ इन्होंने एक स्ट्रिप भी दी है, और बीच में पार्टीशन दिया है। यहाँ पे आप अपने बिंदी वगैरह रख सकते हैं इस तरीके के सेक्शन में, और देन जैसा भी आप अरेंज करना चाहें। तो कुछ 230 या 300 की रेंज में अवेलेबल है, इसमें कलर ऑप्शन अवेलेबल है। मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल मेरे लिए तो रहा है कि वाइल ट्रैवलिंग, तो आप चाहो तो इसको ले सकते हो। सेकेंड जो बैग है वो मैंने मंगाया है फ्रॉम द ब्रांड कैरी लैब्स, और इसमें मैंने टैन कलर मंगाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका जो टेक्सचर है, उसका जो लुक है, मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके का लुक मुझे रिसीव हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट बैग है, और मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ करीब 2 मंथ्स, और कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इस तरीके की जो इसकी कुछ मुझे 500 या 550 के अराउंड मुझे ये पड़ा था। साथ ही साथ इसमें स्ट्रिप दी है, तो आप इसको इसे भी अरेंज कर सकते हो, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब आप बात करते हैं अगर इसके पार्टीशन की, तो द बेस्ट पार्ट की, अगर जैसे आपके पास सामान ज़्यादा था, तो इसमें 3 पार्टीशंस इन्होंने दिए हैं, और बहुत अच्छा खासा स्टोर करता है। इसमें सेपरेट पार्टीशन भी दिया है एक, तो आप वहाँ से भी, वहाँ पे भी सामान रख सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने 3 पार्टीशन दिए हैं, तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी। बहुत सॉफ्ट है, इसको एज अ स्लिंग बैग यूज़ कर सकते हैं, कैरी बैग यूज़ कर सकते हैं, आपको जैसा समझ में आए, जैसा आप पर्सनल यूज़ करना चाहते हैं वैसा यूज़ कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है, आप वहाँ जाके चेकअप कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैंने बैग मंगाया है फ्रॉम द ब्रांड स्पीड फैशन। इसका जो ये ऑफिस बैग, मैं इसको बोल सकती हूँ, उसमें एक डायरी, इसमें आपका टिफिन, लंच बॉक्स, बॉटल आराम से आ जाएगी। इसका भी जो पार्टीशन है वो 3 सेक्शन में दिया गया, क्योंकि मैं ऑफिस गोइंग हूँ, तो मुझे इस तरीके के बैग्स अच्छे लगते हैं। ब्लैक यूजुअली आप बोलोगे सिमिलर कलर ले रही है, बट मुझे आजकल ब्लैक नहीं अच्छा लग रहा है, तो मुझे इस तरीके के कलर्स अच्छे लग रहे हैं। तो इन्होंने जो ये 3 पार्टीशन है, इसमें तो इन्होंने दिया है, ये देखिए, सिंपल ऐसे अटक करने को, लेकिन इसमें इन्होंने चेन दी है, जिप दी है, और अंदर एक सीक्रेट पार्टीशन भी दिया है, तो वहाँ जाके रख सकते हैं। तो आराम से इसमें, जैसे आपकी हाफ लीटर बॉटल मैं आराम से कैरी कर लेती हूँ। पीछे भी इन्होंने एक चेन दी है, जिसमें स्पेस काफ़ी अच्छा है, तो आप रख सकते हैं। और जो इसका लुक है वो काफ़ी अच्छा है, फ्रॉम द ब्रांड है, 500 या 600 की रेंज में मिला है, सॉफ्ट है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है। नेक्स्ट बैग मैंने मंगाया है एक स्लिंग बैग, ये है फ्रॉम द ब्रांड एक्जॉटिक, और एक्जॉटिक के जो स्लिंग बैग्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे निकलते हैं, मतलब आप यूज़ कर करके बोर हो जाएंगे, बट बैग्स में कोई इशू नहीं आने वाला है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर ऑप्शन काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट इसमें इस तरीके की जिप दी है, एक बैक साइड में जिप दी है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है इसकी लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं, और किसी को गिफ्ट भी देना चाहे तो 400 या 450 की रेंज में काफ़ी डिसेंट से बैग्स होते हैं ये एक्जॉटिक के, और इसमें कलर ऑप्शन कई सारे अवेलेबल हैं। जो नेक्स्ट मैंने बैग मंगाया है वो है फ्रॉम द ब्रांड लवली, और ये देखिए कि ये प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप में बैग है। यहाँ पे इन्होंने ये इस तरीके कुछ गोल्डन स्टील का कुछ भी जो भी सेक्शन है लगाया है, तो इसकी वजह से इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा हो गया है। बिग बिलियन डेज में आपको इसमें अच्छा खासा ऑफ मिलेगा, और ये देखिए इस सेक्शन है, देन इन्होंने दिए हैं प्रॉपर 2 पार्टीशन, एक सीक्रेट जिपिंग अंदर दी है, तो आप इस तरीके से ये देखिए रख सकते हैं। फ्रॉम द ब्रांड बैग है, और काफ़ी हेल्पफुल है, देखिए इस तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो मैं इसको भी फ्रॉम द ब्रांड लवली, मैं इसको भी हाईली रिकमेंड करूँगी, और इसमें कलर ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप देख रहे हो बहुत डिसेंट सा जो इसका लुक है, बहुत क्लासी है, और मुझे बहुत पर्सनली लगे बैग्स पसंद है, तो आप चाहो तो उसको भी रिकमेंड कर ले सकते हो। एंड द लास्ट अगेन आई हैव ब्रांड फ्रॉम द ब्रांड लवली, और इसका जो इसमें भी कलर ऑप्शंस और अवेलेबल थे, बट मुझे कुछ इस तरीके का
कलर चाहिए था कुछ डिफरेंट सा। ये थोड़ा सा स्टर्डी बैग है, देख रहे हो आप इसकी, इसका जो स्ट्रिप्स है उनको भी पकड़ के आपको देखकर लग रहा होगा, प्रॉपर इस तरीके का बैग मुझे रिसीव हुआ है। टेक्सचर में कुछ जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इस तरीके का टेक्सचर इसका रिसीव हुआ है मुझे। ये भी फ्रॉम द ब्रांड लावी है, इसमें बैक साइड एक जिप दी है और इस तरीके से इन्होंने एक सिंगल जिप दी है, ये देखिए सिंगल जिप दी है और उसके बाद इन्होंने स्पेस देखिए इस तरीके से निकाला है। साथ में इन्होंने ये लॉन्ग स्ट्रिप भी दी है, तो आप इसको अरेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो जो इसका भी ऑक्यूपेंसी है वो काफ़ी अच्छी है। और ये रही इसकी स्ट्रिप, तो मुझे इसका कलर ना बहुत डिसेंट सा लगा था, बहुत अलग सा लगा था कुछ। कभी कभी आपको इस तरीके के कलर्स भी कैरी करने चाहिए अपने साथ, तो जो लुक एनहेंस हो जाता है। तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगी। इसका भी जो प्रोडक्ट बाइंग लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप वहां जाके जरूर चेक करिएगा। सो जो भी चीज़ें आपने अपने कार्ट में ऐड कर रखी है, मत करिए और जाके ग्रैब करिए। आपको देखेंगे कि डिफरेंस अप टू 80% तक आपको मिलेगा हर एक प्रोडक्ट पे। कैसा लगा आपको ये हॉल, बैक हॉल, जरूर मुझे बताइएगा। सारे ही बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।